ओके अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं किसको आपका ब्लड सप्लाई सलाइवरी ग्रैंड, ठीक है ना। तो सपोज ये है आपका सलाइवरी ग्रैंड और ये उसका आपको ये नज़र आ रहा है कैप्सूल। कैप्सूल से ये क्या आ रहा है सेप्टा। सेप्टा अच्छा यहाँ से ब्लड वेसल सपोज ये आर्टरी एंटर हो रही है किस में कैप्सूल में। कैप्सूल से किधर आ रही है सेप्टा के ज़रिए आ रही है। सेप्टा के ज़रिए ट्रेवल करके आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर जो है ना ये मज़ीद जो है ना सेप्टा डिवाइड हो जाता है अपनी फाइनर पार्टीशंस में। और सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पे पड़ा है आपका एसिनाई, पड़ा है ये पड़ा है एसिनाई। तो यहाँ से ट्रैवल करता करते करते अब आर्टरीज आपको पता है आर्टरी आर्ट्रियोल में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। आर्टरी से आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल से कैपेलरी बन जाएगी। तो इस तरह ये जो है ना आर्टरी एक या एक से ज़्यादा आर्टरीज एंटर करती हैं कैप्सूल के ज़रिए सेप्टा। फिर सेप्टा से जो है ना फाइनल पार्टीशन ऑफ सेप्टा, वहाँ से जो है ना ये चला जाता है किस में सिक्रिटरी एसिनाई तक पहुँच जाता है। और यहाँ पे जो है ना ये कैपेलरीज बन जाती हैं ये आपकी आर्टरी, और ये जो है ना कैपेलरीज क्या सप्लाई देती हैं एसिनाई को, ब्लड सप्लाई देती हैं। अब ये जो आपकी कैपिलरीज होती हैं ये फेनिस्ट्रेटेड होती हैं, यानी इसमें जो है ना पोर्स ज़्यादा होते हैं। और जो आपके पोस्ट वेन्यूल होते हैं ना उसमें जो है ना आपको फेनिस्ट्रेशन ज़्यादा नज़र आती है। आपको सलाइवरी ग्लैंड में आर्टीरियो आर्टीरियो वेनस जो एनास्टोमोसिस होती है ना वो भी नज़र आएगी, लेकिन वो सम टाइम आपको नज़र आएगी। व्हाट इज़ आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस, वो ये होती है कि सपोज आर्टरी आर्टरी जो है ना वो किस में हुई कैपिलरी में, आर्टरी आर्टरियोल से आर्टरी जाती पहले डिवाइड होती है आर्टरियोल में, आर्टरियोल से कैपिलरी, कैपिलरी से फिर जो है ना दोबारा विन्योल, विन्योल से क्या होता है फिर ये वेन बन जाती है। तो इसको जो आपस में जो आर्टरी और वेनस का एनास्टोमोसिस, और इसको हम कहते हैं आर्टेरियो वेनस एनास्टोमोसिस। ये भी आपको सलाइवरी ग्रैंड में देखने को मिलेगा। अच्छा ये तो होगी इसकी स्किन सप्लाई। अब इसमें ये फंक्शन किस तरह करती हैं, अगर तो आपका जो है ना ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है किस में ब्लड वेसल्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है ना। तो इसमें होता ये है कि ड्यूरिंग सिक्रीशन क्या होता है कि ब्लड फ्लो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है ना। अगर तो सिक्रीशन सलाइवरी ग्लैंड ने ज़्यादा करनी है तो उसमें ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो इसमें जो है ना आपकी ये जो ब्लड वेसल है इसमें प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है एंडोथीलियम में, इस तरह जो है ना फ्लूड जी बाहर ज़्यादा निकलता है। और ये जो है ना ज़्यादा हमें क्योंकि फ्लूड जो होता है सिक्रीशन में वाटर चाहिए होता है, तो इस तरह जो है ना यहाँ से प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है फ्लो में और ये हमें ज़्यादा जो है ना फ्लूड मिलता है और ज़्यादा हम सिक्रीशन करा सकते हैं। तो ये थी ब्लड सप्लाई ओवरऑल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स।